रहे देखो, ये जितने भी ये सैनिटरी का सामान होता है ना, गटर वटर सब टूट जाती है। क्या बता, इस पूरे गार्डन में आपका भी कोई योगदान है? कभी टूटा है क्या? सो ये है रॉक गार्डन। बच्चे को बहुत खुशी आ रही है, समझ भी नहीं आ रहा क्यों। बच्चे को भी मजा आ रहा है। झरने के आगे ऐसा लग रहा था वो अमृत नहीं मिल रहा था, बहुत ही अच्छा, जी को शांति, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे एक स्क्रीन है और ये थिएटर है, पूरा ओपन थिएटर। ओपन थिएटर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पापा जी और गुड़िया नीचे ही रह गए हैं हमारे, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको पूरा व्यू। तो ये फेज थ्री लगभग लगभग पूरा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। एक गली और बची है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद एग्जिट है, यहीं से घूम के जाना है, जहाँ से फेज थ्री स्टार्ट था वहीं से एग्जिट है। ये आ गया है बहुत बड़ा सारा चौक रॉक गार्डन का। ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ये बहुत आलसी फिश है। इधर छोटी छोटी फिश है, ये देखिए। इस पे लिखा हुआ भी है ये नेम ऑफ द फिश कि कौन कौन से फिश है कौन कौन से एक्वेरियम में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पंजाबी कुड़िया और ये अभी एक बहुत अच्छा गाना कुछ गा रहे थे, मुझे पता नहीं क्या गा रहे थे। तो ये हमें एक बार इनसे रिक्वेस्ट है, गा के बताएंगे सब एक साथ जैसे आप अभी गा रहे थे। ओके हाँ।
थैंक यू। घर डॉल्स है, मतलब राजस्थानी पूरा लुक है, ऊंट वगैरह ये पूरा बनाया हुआ है, ये भी रखा हुआ है। इधर से आंटी झांसी की बुद्धि आंटी है। इधर आइए आप मेरे साथ आगे। ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, रोज आप देखते होंगे हमारे घर राजस्थान में होता ही है। मिट्टिया बहुत प्यारा बना रखा है। इधर देखिए, ये छावले में कुछ लेके बैठी है, इधर झूला झूल रहे हैं, अलग अलग दृश्य बना रखे हैं। ये हुक्का पीते हुए हैं, ये लगा मुझे कोई खड़ा है पर बाद में पता चला ये तो डॉल है। इधर सब ये स्टडी कर रहे हैं, ये ऊपर पढ़ा रहे हैं और नीचे सब तख्ती लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। इधर माँ है अपने बच्चे को खिला रही है, इधर ये कूटा जा रहा है। ये एक चूड़ियों की दुकान है, ये चूड़ियों की शॉप है, ये पटलाई चल रही है, ये भी एक दुकान है। ये देखिए इधर, इधर आटा पीसा जा रहा है, चक्की वगैरह सब है। ये इधर गाय भैंस दूध दोना ये काम हो रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ मांडली जो बनाए जाते हैं वो है। ये कुआ है इधर, कुएं से पानी निकालते हुए लेनी है। देन हम आगे चलेंगे तो इधर ये बजरे हैं, बाजे वगैरह बजाए जा रहे हैं और शादी का पूरा नजारा है। घोड़ा वो दूल्हा घोड़े पर बैठा है, पीछे बनाती है इधर। ये वैसे और भी है, ये दुल्हन के लिए, दुल्हन भी बैठी है इसमें। तो पीले कलर का दूल्हा था, हरे कलर की दुल्हन है। ये इधर जो बैल होते हैं वो है आगे, ये पीछे पूरी बारात ही चल रही है। इधर महाराज बैठे हुए हैं अपने शिष्यों के साथ और अंदर कृष्ण जी का मंदिर है। आइए आगे, बस बाकी ये पैसे बैठी है लेडीज। हम आगे चल रहे हैं रॉक गार्डन में, ये हमने पीछे छोड़ दिया है जो हमारा डॉल म्यूजियम था। अब आगे देखते हैं क्या है। चलो जी, ये पूरा रॉक गार्डन की टेस्ट है। तो अब हम चलते हैं आगे एग्जिट की तरफ। आइए, ये कंप्लीट रॉक गार्डन की पिक्चर है। सो फ्रेंड्स ये है यहाँ से एग्जिट। मैंने आपको डॉल म्यूजियम के बाद का पूरा व्यू दिखा दिया था, आगे रॉक गार्डन म्यूजियम भी। तो ये एग्जिट है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट आल्सो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसे।
ओके बाय। अच्छा फ्रेंड्स, ये रह गया था, ये मंकीज हमारे रह गए थे इधर, मंकी, टाइगर, डॉगी वगैरह सब, एलिफेंट। ये देखो इधर ये लोग हैं, ये एग्जिट में से है। ये देखो सब अब कैसे बैठे हैं, कोई कैसा बैठा है, कोई कैसा बैठा है, किसी की गर्दन कैसी है, किसी की गर्दन कैसी है, रॉक्स से बने हुए। ये कैमल है और ये आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, कुछ के हम पे तो कुछ कैमल है। और ये लोग बाग अलग अलग पोजीशन में है सब, ये मूर्तियां भी सब अलग अलग पोजीशन में है, कोई भी सेम नहीं है। ओके, फाइनली रॉक गार्डन हुआ कंप्लीट। अच्छा अभी तो है, ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे जहां लगता है कि इसका एंड होने वाला वहीं से ये दूसरा चालू हो जाता है तो इसका डी एंड ही नहीं हो रहा है। बहुत सारा टाइम निकाल के आए, कम से कम 3-4 घंटे आराम से निकाल के आए आप इसमें घूमने के लिए, तो अभी आप इसे ढंग से घूम पाएंगे। ये देखिए पिकॉक बने हुए हैं। Exactly. ये चूड़िया है, उनके टुकड़े लगाए हुए इनके ऊपर। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं ये। अब मैं नहीं बोलूंगी कि फाइनली एग्जिट, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ तो आगे कुछ ना कुछ निकल आता है। बहुत ही बड़ा गार्डन है, बहुत ही बड़ा, 3 किलोमीटर का एरिया बताया है। ये देखिए मटकी लिए हुए है कोई कैसे। कांच की चूड़ियों से बहुत सुंदर बना रखा है ये। और ये फालतू में मॉन्यूमेंट्स इन सबको बिगाड़ने के काम समझते नहीं है लोग सब। ये देखिए शाम है टाइगर। ओके फाइनली एग्जिट। तो ये था हमारा इतना बड़ा रॉक गार्डन, थक गए हैं पापा जी बिल्कुल, उनके दर्द हो रहा था। मम्मी जी कैसा लगा, थक गए? अच्छा था बट थक चुके हैं हम, क्योंकि हम पहले थके हुए थे। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, करिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और पूरे वीडियो को एंड तक देखें। बाय। अरे पीछे हाई कर दे, म्यूजिक डालेंगे इसमें वैसे भी। जाएगी बांदरी। तू है बांदरा।
पहले मेरे साथ।